हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम एनालिसिस करेंगे बीए थर्ड ईयर का एनुअल एग्ज़ाम हुआ है अभी हमारे रिसेंटली पॉलिटिकल साइंस का, तो हम उसका जो है आपको एनालिसिस कराएंगे और आपको जो आपके सही आंसर है उन तक पहुँचाएंगे। और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा और आपका जो भी स्कोर रहा हो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा क्या है, देखिए हमारा जो पहला सवाल है, सामाजिक एवं धार्मिक स्वाधीनता स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है, यह कथन किसका है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर दो है, देखिए दोस्तों, हमें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है, किसने कहा था? देखिए दोस्तों, हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, तो आपको थोड़ा चेक कर लेना होगा। वैसे जो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है तो उसका तिलक ही हो सकता है। अगर आपको इसका कुछ और आंसर मिलता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? तो आपका जो तीसरा सवाल है वो देख लिए क्या होता है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो हमारा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे समझा जाता है? तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु, मनु हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला पांचवा सवाल क्या है, महादेव गोविंद रनाडे पेशे से थे? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायाधीश। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, देखिए क्या कहता है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जो हमारा सातवां सवाल है, सांप्रदायिक एकता पुस्तक के लेखक कौन है? जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर एट, प्रथम भारतीय जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने? जो हमारा इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एन राय। जो हमारा नाइन्थ सवाल है, देखिए दोस्तों, मनु के कोष संचय सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तटकर, तटकर जो इसका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर टेन है दोस्तों, देखिए क्या कहता है, भीष्म ने निम्न में से किस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवीय सिद्धांत। जो हमारा ग्यारहवां सवाल है दोस्तों, समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की? हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, ट्वेल्थ सवाल, गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो अगला सवाल है दोस्तों, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो हमारा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। देखिए दोस्तों, चौदवा सवाल क्या कहता है, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों उसका क्या है, देखिए, शुक्र के अनुसार राज्य के मित्र कौन है? तो हमारा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कान। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, देखिए क्या है, चाणक्य नीति दर्पण किस विचारक की रचना है? जो हमारा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य, कौटिल्य हमारा इसका बिल्कुल एकदम सही जवाब है दोस्तों। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 16 क्या कहता है, सन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, देखिए, शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, देखिए, तिलक ने किस पार्टी की स्थापना की, तिलक ने किस पार्टी की स्थापना की? तो हमारा इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस लोकतंत्रीय दल, हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अरविंद घोष द्वारा
प्रारंभ अंग्रेजी साप्ताहिक का क्या नाम था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, युगांतर। युगांतर हमारा बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। शुक्र के अनुसार राज्याधिकार का दूसरा सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्येष्ठता का अधिकार। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। स्त्री पुरुष की समानता के लिए रनाडे ने किसका उदाहरण दिया? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाश्चात्य सभ्यता। हमारा 22वां सवाल देखिए दोस्तों, शुक्राचार्य किसके गुरु थे? जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुरों के। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सवाल है दोस्तों, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधी जी। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारा अगला सवाल बनता है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आ गया। देखिए मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12। जो हमारा 25वां सवाल है दोस्तों, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी की स्थापना की गई? जो हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो देखिए, निम्न में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? तो हमारा इसका बिल्कुल एकदम जो राइट जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए दोस्तों, अरविंद ने निम्न में से किस अवधारणा का समर्थन किया? जो हमारा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, देखिए 29, इनमें से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा मनु की षडुग्य नीति का हिस्सा नहीं है? जो हमारा इसका बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, इसमें बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो हमारा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साधना। जो हमारा 32वां सवाल है दोस्तों, देखिए मुझे इस बात को स्पष्टतया स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह किसने कहा था? जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, MN राय। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, सती प्रथा का व्यवस्था विरोध किसने किया? सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? जो हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। जो हमारा 34वां सवाल है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, देखिए किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त था? जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो हो जाएगा नेहरू जी, जो ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा अगला सवाल है 36वां देखिए दोस्तों, भारतीयता जनमानस की कुंजी है, यह किसने कहा था? दोस्तों मुझे इस सवाल पर डाउट है, अगर आपको इस सवाल का सही आंसर पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर चलते हैं, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 38 सवाल है दोस्तों, देखिए हमें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है, किसने कहा था? जो हमारा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधी जी, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं 39 सवाल पर दोस्तों, जो हमारा 39 सवाल है वो क्या कहता है, नेहरू ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब की थी? जो हमारा इसका एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 1929, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद घोष। जो हमारा 41 सवाल है दोस्तों, देखिए अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे? जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवादी, इसका बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौटिल्य के 800 गांवों के समूह को क्या कहते थे? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्रोणमुख, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर चलते हैं, 43 सवाल पर, जो हमारा है राजा राम मोहन राय के विरोध
स्वरूप निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया? तो इसका हमारा जो सही जवाब है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों देखिए क्या है, अर्थशास्त्र की रचना किस विषय में संबंधित है? जो हमारा इसको इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक शास्त्र हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा 45वां सवाल है दोस्तों देखिए, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया है? तो हमारा इसका बिल्कुल जो राइट जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। या इस प्रकार से हमारे दोस्तों बिल्कुल 45 सवाल कंप्लीट होते हैं और आप उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम स्कोर चेक करते चल रहे होंगे और अपने पेपर को देखते चल रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से अगला सवाल क्या है, 46, आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नेहरू। जो हमारा 47वां सवाल है दोस्तों देखिए, कौटिल्य के सिद्धांत के मुख्य कोषाध्यक्ष को क्या कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन्निधाता, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार है? हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्वत दुर्ग। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों देखिए, 49वां सवाल, शुक्र ने प्राचीन भारत के हिंदू शासन पद्धति से संबंधित ग्रंथ को क्या कहा? जो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सावय सिद्धांत। सावयव सिद्धांत हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50, कौटिल्य ने कितने प्रकार की विद्या को अनिवार्य कहा है? जो हमारा इसका दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। और दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, इसी प्रकार से एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन करा के उस वीडियो को सेंड कर दूंगा। तो आप देखिए इसी प्रकार से हमारा जो 51वां सवाल है, एम एन राय के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता का स्तंभ है? जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, मानवतावाद। देखिए दोस्तों जो हमारा 52वां सवाल है वो क्या कहता है, 1866 में स्थापित विधवा पुनर्विवाह समिति के सदस्य कौन थे? जो हमारा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वह है महादेव गोविंद रानाडे, हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। तो इसी प्रकार से जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों देखिए क्या कहता है, शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है? दोस्तों इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट था इसलिए मैंने आपको इसका जवाब नहीं दिया है। आप चाहें तो इस सवाल को गूगल भी कर सकते हैं और मैसेज उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं आपकी कमेंट को, जो सवाल मेरा गलत होगा, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 54, मनु के न्यायालय के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो हमारा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। जो हमारा 55वां सवाल दोस्तों देखिए, निम्न में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? इसका सवाल का जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों देखिए, शांति पर्व में कितने अध्याय हैं? इसका हमारा जो बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 365। और दोस्तों हम जो ये BA थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, जो इसका हमारा सेट नंबर है, आप सेट नंबर देख लीजिएगा, हमारा सेट नंबर P है, हम सेट नंबर P का एनालिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा 57वां सवाल है दोस्तों देखिए क्या कहता है, महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख किया गया है? तो हमारा इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा 18 बिल्कुल एकदम सही जवाब है दोस्तों। इसी प्रकार से जो हमारा अगला सवाल है, अरविंद घोष पर चलने वाले अलीपुर केस में उनकी पैरवी किसके द्वारा की गई थी? जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, देशबंधु चित्रेंद्र दास, इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा 59वां सवाल है दोस्तों देखिए, रोमैरोला ने किसको भारतीय विचारों का सम्राट कहकर पुकारा? इसका जो हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 60वां सवाल है दोस्तों देखिए, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, किसने कहा था? इसका हमारा जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, कायरता और अहिंसा पानी और आग की
बात ही एक साथ नहीं रह सकते, यह किसने कहा था? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधी जी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए दोस्तों, 62वां, भारत और उसकी समस्याएं नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जो हमारा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों देखिए, 63वां, नेहरू ने भारत के किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया है? जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगला सवाल है, 1972 में किसने चंबल घाटी के 400 डाकुओं को सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण को समझाया था? हमारा जो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण, हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगली सवाल की ओर चलते हैं, देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, 65वां, निम्न में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत भ्रमण, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अगला सवाल है दोस्तों देखिए, गांधी जी के आर्थिक विचारों का सारांश है कि? इसका जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों देखिए, निम्न में से कौन सा अरविंद के राजनीतिक दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय प्रतिरोध, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों एकदम से। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? यानी कि कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, जीवन एक रहस्य है, जीवन एक रहस्य, इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 69वां सवाल है दोस्तों देखिए, अरविंद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा मानव एकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हमारा जो 70 सवाल है देखिए, प्रजा के हित एवं सुख में ही राजा का हित एवं सुख छिपा है, यह किसने कहा था? इसका जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, कौटिल्य इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए हमारा 71 सवाल, कौटिल्य के अनुसार सामाजिक संगठन की व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए? जो हमारा इसका बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, जो हमारा अगला सवाल है देखिए दोस्तों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या है? हमारा जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एकदम से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जो हमारा 73वां सवाल है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वराज आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, हमारा बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा 74वां सवाल है देखिए दोस्तों, सर्वोदय के संदर्भ में गांधी जी का विचार था? तो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई, इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा 75वां सवाल देखिए दोस्तों, कौन गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्य पुण्य आत्मा गोखले कहकर पुकारते थे? जो हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी, गांधी जी इसका बिल्कुल एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? जो हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, MN राय, MN राय इसका बिल्कुल एकदम सटीक जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी? जो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध, प्रतिरोध इसका बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, संवाद कौमुदी का संस्थापक कौन था? तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद, अरविंद इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए 79वां सवाल, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब हुआ? इसका जो हमारा राइट जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल जो हमारा है वो क्या कहता है, हमारा 80वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द पॉलिटिक्स। जो हमारा 81वां सवाल है देखिए, जयप्रकाश नारायण लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते थे? इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए दोस्तों, संसार में कोई ऐसा दल नहीं है जो बिना राजतंत्र के समाजवाद की स्थापना
कर सके। किसने कहा यह कथन किसका था? तो हमारा जो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों क्या कहता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? जो हमारा इसका राइट जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 84वां सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण इसका बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत की समाजवादी सरकार पूर्णतः प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, प्रजातंत्र के बिना समाजवाद अचिंतनीय है, किसने कहा था? जो हमारा इसका बिल्कुल सही एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों 86वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? इसका जो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1897, बिल्कुल इसका एकदम राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 87वां सवाल, किस विचारक ने राजा को देवी बताया? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु। भारतीय राजनीतिक ढांचे को पतन से बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या सुझाव दिए? जो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखिए 89वां सवाल दोस्तों, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस विषय पर जोर दिया? तो हमारा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा पर उन्होंने अधिक जोर दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 89 सवाल पूरे होते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम है, आपका BA का हो या कोई भी हो, अगर आप उसका सोल्यूशन इसी प्रकार से चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा और आपका पेपर सोल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों 90वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राजा राम मोहन राय के विचारों के विषय में सत्य नहीं है? जो हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा का समर्थक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 91 सवाल, गोखले की राजनीतिक वसीयता पुस्तक कब प्रकाशित हुई? दोस्तों इस सवाल पर मुझे डाउट है और इसलिए मैंने इसका सवाल का जवाब आपको नहीं दिया है। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो हमारा 92वां सवाल है दोस्तों देखिए, राजा राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था में जूरी अधिनियम कब पारित किया? जो हमारा इसका सटीक और राइट जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 1826 में। जो हमारा 93वां सवाल है दोस्तों देखिए, जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, यह किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, भारत का मेघियावली किस विचारक को कहा गया? इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट जवाब हो जाएगा कौटिल्य। जो हमारा 95वां सवाल है दोस्तों देखिए, निम्न में से किस विचारक ने अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारा है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गांधी जी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से 96वां सवाल देखिए दोस्तों, और हम चल रहे हैं बिल्कुल पेपर के अंतिम पड़ाव की ओर। देखिए 96वां सवाल, रानाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया? इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, राज्य की हस्तक्षेप की नीति, इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों देखिए क्या कहता है, मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है? हमारा जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मनु। अगला सवाल देखिए दोस्तों, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद विचार सदैव जीवित रहेगा, यह किसने कहा था? यह कहा था ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधी जी ने, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है एकदम। जो हमारा 99वां सवाल है दोस्तों देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है, स्वयं को लक्ष्य नहीं है, यह किसने कहा था? जो हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी गांधी जी। जो हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों देखिए, राष्ट्रवाद उदात्त तथा देवी शक्ति का प्रतीक है, यह किसने कहा था? जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तिलक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ये बीए का बीए पॉलिटी का जो हमारा
पी सेट था। इस प्रकार से हमने इसका जो सॉल्यूशन आपको बता दिया है, और अगर आपको किसी सवाल पर डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा और मैं आपकी कमेंट पिन कर दूंगा। और आप एक काम और करना, आपको अपना स्कोर जरूर टाइप करना है नीचे, आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपको किसी सेट का इसी प्रकार से सोल्यूशन चाहिए तो आप उसका नाम लिख कर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना ना भूले। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।